हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F14 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को ना आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्ले स्टोर में काफ़ी सारे क्लाउड्स ऐप स्टोरेज ऐप अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। और तीसरा तरीका यह होता है कि आप अपने मोबाइल फोन से अगर फालतू का डेटा हटा देंगे, यानी कि फालतू का डेटा डिलीट कर देंगे, तो इससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि आप अपने फोन से फालतू का डेटा डिलीट करके आप अपने फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहां पर वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होंगे जिनके अंदर आपको बैकअप की सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप की सेटिंग मिलती है, उन ऐप्स के अंदर से आपको बैकअप की सेटिंग को बंद देना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहां पर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि यहां पर जो है ना, मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं और फोन की गैलरी में देखिए सबसे ऊपर ना ये प्रोफाइल पिक्चर होती है राइट साइड पे, तो आपको ये टैप करनी है तो आपका ये वाला पेज आएगा। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस बैकअप की सेटिंग को, इस ऐप की बैकअप सेटिंग को पहले से बंद कर रखा है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग चालू रहती है तो आपको नीचे ऑफ का बटन मिलेगा, ऑफ पर टैप करके इस बैकअप सेटिंग को आपको बंद कर देना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप में बैकअप सेटिंग मिलती है, उन सभी ऐप्स में से भी आपको बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपके मोबाइल फोन के ऐप्स की बैकअप सेटिंग की बात। अब आपको अपने मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग को बंद करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना, इसमें आपको जो नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट एंड बैकअप का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, ये सभी बैकअप डेटा सेटिंग जो है ना आपको बंद करके रखनी है। दोस्तों यहां पर मैं बैकअप सेटिंग को इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि अगर बैकअप सेटिंग चालू रहेगी तो इससे आपके फोन का जो स्टोरेज है ना वो जल्दी जल्दी फुल हो जाता है। तो आपको ये बैकअप सेटिंग को बंद करके रखनी है जिससे आपके फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं, इन सभी ऐप्स को रीसेट करना है, यानी कि इन सभी ऐप्स का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन के किसी भी ऐप को उंगली से दबा के रखेंगे, आपका ना एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का, ठीक है। इस पेज में आपको ये कोने में सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ नजर आ रहा है, इसे आपको टैप करना है। आपका ना ये ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा ये स्टोरेज का, स्टोरेज पर आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लियर डेटा का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको इससे पहले है ना क्लियर कैच पर टैप करना है, अब इसके बाद आपको इसे क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका एक पेज आएगा छोटा सा, इसमें आपको डिलीट का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये जो डेटा और ये जो कैच है, इन दोनों के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला काम करना क्या है कि देखिए, आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप्स को अपने फोन से हटा देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इससे आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए, आप अपने फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप जो है आपके फोन का स्टोरेज कवर करता है। तो इसलिए आप अपने फोन से फालतू के ऐप्स हटा देंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, आपको नीचे की साइड ये रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेके आएगा, रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में आप ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताया सारे आपको यूज करने, तो इससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है।